तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल मेरे हिसाब से एक से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाना चाहिए या माना जाता है। क्यों? उससे पहले आप रिपोर्ट को समझें कि रिपोर्ट क्या होता है। आप ऑफिस में रिपोर्ट बनाते होंगे सर, तो क्या होता है रिपोर्ट? जी सर, रिपोर्ट को हम कह सकते हैं कि समरी ऑफ द डेटा, किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर समराइज करने को हम समरी ऑफ द डेटा रिपोर्ट कहते हैं। क्या सर? चाहे रिपोर्ट जैसे ही बनाओ, होता तो किसने किसी डेटा का समरी है ना। बिल्कुल सर। और पिवट टेबल का यूज भी हम करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को समराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। पिवट टेबल को यूज करने से पहले कुछ चीजों, कुछ बातों पे आप ध्यान देने के लिए। सबसे पहले कि आप डेटा को समझिए, क्योंकि डेटा नहीं समझेंगे तो पिवट टेबल को लगाना समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप डेटा को एनालाइज समराइज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा आपका क्या है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह की है। ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पिवट टेबल लगाने से पहले और क्या करना चाहिए। अगर आप पहले बात चल लीजिए कि डेटा की जो हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हेडिंग ब्लैंक है तो आपका पिवट टेबल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, इसलिए हेडिंग को ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के, जैसे मैंने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में समझाया था आपको। अगर पूरा का पूरा डेटा ब्लैंक है, पूरा का पूरा डेटा आपका अगर ब्लैंक है तो पिवट टेबल स्टार्ट करें। और प्रसून जी आज आपके साथ मुकुल कुमार सिंह जी ज्वाइन किए हैं। मुकुल जी, ये अच्छा, प्रसून अच्छा, जी अच्छा। है, इन्हीं का बैच चल रहा है। ओके, और हम पिवट टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले, अल्ट प्लस आर कर ले। हाँ, हो गया। तो आपका डेटा में अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो पिवट टेबल लगाएंगे, सिर्फ इतना ही डेटा पिवट लगेगा, क्योंकि वो कंट्रोल ए मतलब कि करंट रीजन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है ना। तो अगर आप देखें कि आपके पिवट टेबल में पूरा का डेटा के अंदर, पिवट टेबल बनाना चाहते हैं वो डेटा के अंदर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, तो फिर आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करें मैनुअली। अगर ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो आपने डेटा को समझ लिया, डेटा एक सेल्स का डेटा है कि किस क्वार्टर के किस डेट के किस सिटी में किस सेल्स मैनेजर किस सेल्स पर्सन किस कैटेगरी को उसमें मेल फीमेल थे कि नहीं थे, कौन सा प्रोडक्ट किस जोन में कितनी क्वांटिटी के कितने एमआरपी पे सेल किया, उसका अमाउंट क्या हुआ। अब आपको ये भी जानना होगा कि आखिर इससे आपको रिपोर्ट चाहिए क्या, समझे? आपको इससे रिपोर्ट क्या चाहिए? तो मैं बस ये पता करना चाहता हूं कि क्वार्टर वाइज कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई। मैं देखना चाहता हूं कि किस क्वार्टर में कम या ज्यादा हमने सेल किया है, पैसे सेल करके हमने पैसे
ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, तो मुझे चाहिए क्वार्टर वाइज सम ऑफ अमाउंट। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट में पिवट टेबल। पिवट टेबल को स्टार्ट करने से बजाइए ऐड ओके कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, एक नई वर्कशीट ऐड होगी उसमें पिवट टेबल लग के आ जाए। पिवट टेबल के फील्ड आपके नहीं, आपको इसी फील्ड में से उठाना है, और ये आपके पास चार एरिया है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वेल, इन चारों में किसी एक में ड्रॉप कर, ठीक है सर, इन चारों के जैसे जैसे ड्रॉप करेंगे यहां आपका एक बोर्ड बनता जाएगा। मुझे चाहिए क्वार्टर वाइज बोर्ड, तो मैंने क्वार्टर को उठाया और रो में रख दिया। तो जितने भी क्वार्टर, देखिए डेटा में क्वार्टर कई बार रिपीटेड है, बट आपके पिवट में एक क्वार्टर एक ही बार है, क्योंकि समरी क्रिएट कर। उसके बाद अमाउंट को उठाया और हम वैल्यू में रख दिए। वैल्यू में क्यों रखे और हमने क्वार्टर को रो में क्यों रखा, क्योंकि तो रिपोर्ट हमें रो बाइज चाहिए, इसलिए हमने क्वार्टर को उठाकर रो में रखा। हम इसको कॉलम में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो कॉलम वाइज रिपोर्ट बनेगा जो कि अच्छा नहीं लगता है, हमने क्वार्टर में रख दिया। फिर यहां पे तो ये दोनों में रखते हैं जब चाहिए होता है, और वैल्यू के अंदर में वो फील्ड रखते हैं जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है, जिसका टोटल चाहे काउंट हो या नंबर हो, कुछ भी हो करना है उसके लिए। और सब में आप एक से उधर फिल्टर करते हो, जैसे कि मुझे एमआरपी भी रखना है, तो मैंने एमआरपी रखा, तो एमआरपी का सम नहीं करना है, एमआरपी का एवरेज करना है। तो सम ऑफ एमआरपी के बगल में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए, और यहाँ सम काउंट और नीचे आप देख रहे हैं एवरेज है, एवरेज को क्लिक कर लेते, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, एवरेज आ गया। रिपोर्ट हमारी बन गई। अब जैसे कि यहाँ पे रोड लेवल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ क्वार्टर लिखना, तो आप यहाँ पे क्यू कुछ भी चेंज कर सकते हो, सब में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज की जो डेसिमल हटाना है तो सिलेक्ट करके, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग हम डेटा में करते हैं वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है सर। और नॉर्मल फॉर्मेटिंग जैसे मान लीजिए हम करते हैं कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो पार्ट ऑफ पिवट नहीं होता, वो एरिया के हिसाब से फॉर्मेटिंग होती है। कल के डेट में अगर डेटा बढ़ता या घटता है तो आपका फॉर्मेट नहीं बढ़ेगा घटेगा, समझे। तो मैं बोलूंगा कि पिवट की जो फॉर्मेटिंग आप लोग करते हैं वो फॉर्मेटिंग मैनुअल जो फॉर्मेटिंग होता है वो ना करके आप डिजाइन में चले जाए, डिजाइन में चले जाए, और डिजाइन में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट जो है पार्ट ऑफ पिवट, आप इसको उठा के किसी को रिपोर्ट भेज सकते हैं। समझ में आया सर, अशुन जी एंड यस सर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए पिवट टेबल में आप फेमिलर हो, सॉरी न्यू हो, फेमिलर नहीं हो, न्यू हो, और आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, आपके एक रिकमेंडेड पिवट टेबल का भी ऑप्शन आता है। इस रिकमेंडेड पिवट टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके डेटा को एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके
बताएगा कि इस डेटा पे कितने तरह के पिवट और बनाए जा सकते हैं। समझ गए? जो भी वर्ड आपको सिलेक्ट अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका पीवर्ड उसी तरह से बन जाए। तो रिकमेंडेड पीवर्ड टेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन भी मिलेगा 13 और 16 में, उससे ओल्डर वर्जन भी नहीं मिलेगा। अब मुझे मान लीजिए टू वे रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि यहां पे जोन है और जोन के बाद मैं सेल्स मैनेजर भी रखना चाहता हूं, या प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में रखूंगा तो रो एंड कॉलम का रिपोर्ट आपके सामने लिख जाएगा क्योंकि अच्छा लग रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस तरह की रिपोर्ट आप क्रिएट जब करते हैं तो कॉलम में जो डेटा आपने रखा है, जो ये प्रोडक्ट हमने रखा है, वो आपके पास कम है तभी ये सुटेबल होगा, अगर ज्यादा है तो सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए तो मेरे पास ज्यादा होगा, काफी ज्यादा लंबा यहाँ गिर जाएगा तो दिक्कत होगा, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम इस प्रोडक्ट को उठाएंगे और सब कैटेगरी के अंदर रख देंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ रखा, और फिर यहां से आप ये कर सकते हो, उस तरह से आप एनालाइज में जाएंगे, अगर यहाँ एनालाइज के अंदर में तो ये आपको यहाँ पे कोलैप्स, ये आपका कोलैप्स हो गया, ये आपका एक्सपैंड हो गया, तो समरी ऑफ द समरी बन जाए। लेकिन इस तरह की चीजें तभी आप यूज करें जब आप किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेज रहे हो, ठीक है? अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट एज ए नॉर्मल जैसे डेटा होता है एज ए नॉर्मल भेज रहे हो तो दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ही कॉलम के अंदर में, एक कॉलम दिख रहा है आपको, एक ही कॉलम के अंदर में आपका जोन भी है और आपका प्रोडक्ट भी है। जैसे आप कॉपी करके कहीं वैल्यू पेस्ट करोगे तो वहां पे आप देखिए कि समझ पाना था, दिक्कत हो गया ना, कौन सा जोन है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि मेरा जोन एक कॉलम में हो, दूसरे कॉलम में मेरा प्रोडक्ट हो और तीसरे कॉलम में हमारा एमआरपी। तो उसके लिए डिजाइन में जाएंगे और ये आपके पास लेआउट है, लेआउट में शो टेबलर फॉर्म कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आए और यहां डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल भी कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे कि ये देखिए आपके पास सब टोटल, जैसे टोटल हुआ इसके नीचे सब टोटल,
एक सब टोटल आपको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो हटाने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पे सब टोटल जोन दिख रहा होगा अभी क्लिक कर दीजिए, हट जाए। लाना है तो सेम राइट क्लिक और सब टोटल जोन पे वापस क्लिक कर दो तो आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं चाहता हूँ ये सारे का सारे यहाँ फिल हो जाए, सेंट्रल 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 इस तरह से। तो डिजाइन में ही आपको यहाँ लेआउट में रिपीट ऑल आइटम लेबल करेंगे तो यहाँ पे इसके आइटम लेबल जो भी है वो आपके रिपीट हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस हो तो यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम करेंगे तो ये आपको एक नया ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा। ऐसा नहीं रखना है तो यहाँ पे रिमूव ब्लैंक लाइन और यहाँ पे आप देखिए डू नॉट रिपीट आइटम लेबल तो रिपीटेशन हट जाए। अब रिपीटेशन मैंने हटा दिया, अब मैं चाहता हूं इनको आपस में मर्ज करना कि पिवट टेबल में मेरा ये मर्ज हो जाए। तो डायरेक्टली मर्ज जो है आप नहीं कर सकते हो पिवट टेबल में, तो मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन और यहां मर्ज एंड सेंटर विद सेल्स एंड लेवल्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका मर्ज हो गया। ठीक है, आया समझ में सर? डाउट होगा तो बताइएगा सर। चलिए, अब कभी कभी एक जरूरत और पड़ती है, जैसे क्वार्टर वन के एवरेज एमआरपी 502 एट टोटल एमआरपी ये आपका 1,95,00,000 में 10,95,00,000 1,95,09,135 हाँ ऐसा पता जा सकता है। अमाउंट किस किस डेटा से मिल गया है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि फिल्टर लगाते हैं और फिर वो वहां पे जाके क्वार्टर वन सेलेक्ट करेंगे, कई सारे कंडीशन होंगे तो कई सारे कंडीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नया शीट में आपका पूरा क्वार्टर वन का डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा। तो इसका यूज हम लोग डेटा सेपरेशन के लिए भी करते थे क्योंकि मेरे पास डम्प फाइल हुआ करती थी और डम्प फाइल में मेरे पास जो थे डिपार्टमेंट अलग अलग थे तो हर डिपार्टमेंट को मुझे एक मेल करना पड़ता था उनका डेटा, उनका सेल्स डेटा। तो क्या होता था कि फिल्टर लगाए कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत होता था तो हमने क्या किया, पिवट बना लिया, डिपार्टमेंट वाइज रख दिया, फिल्टर और रख दिया और जस्ट हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते। और जैसे हमने डबल क्लिक किया तो एक नई शीट उसका रहता है कॉपी पेस्ट हो जाता था और फिर उसको कॉपी करके जहां रखना है रख देते थे। तो इस तरह की चीजें हम करते थे तो आप भी इसका कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों का आदत होता है डबल क्लिक करने, मैंने ऐसा बहुत सारे चीज देखे हैं कि डबल क्लिक करने का आदत होता है तो उनके लिए दिक्कत है कि वो जाके डबल क्लिक करेंगे और एक नई सीट पे डेटा आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इस तरह डबल क्लिक करने पे इस तरह का डेटा अलग ना हो तो राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल पे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ डेटा के अंदर में एनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर एंड प्रेस ओके। ऐसा करने से क्या हुआ, तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वी कान चेंज दिस पार्ट ऑफ पिवट टेबल आएगा ऑप्शन, आपका डेटा क्लियर।
मन गया प्रश्न जी, मुकुल जी प्रश्न जी समझ में आया? जी सर। अब बात करते हैं, हमने समराइजेशन की बात करें तो हमने समराइज कर दिया। बात करते हैं कि मान लीजिए कि मैं इस पे डेटा के अंदर में जैसे कि यहाँ पे दो तीन वैल्यू डाल सकता हूँ, तो वैसे यहाँ भी जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी को उठाया और मैं यहाँ रख दिया, ऐसे में कॉलम में भी रख सकते हैं। अब कॉलम में रखने के बाद कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक आता है, हम इस ब्लैंक को किसी और चीज से शो करना है, जैसे कि जीरो या कई बार तो हैश एन में या एन में से शो करते हैं, नॉट अवेलेबल से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर एम्प्टी शेल और यहाँ पे आप जो है जो डाला जीरो डाल के ओके कर दिया, तो जहां जहां ब्लैंक शो वहां वहां जीरो आ जाएगा। तो जीरो रखना ना रखना आपके जीरो रखना ना रखना ये आपके ऊपर। इस वजह से दो कैटेगरी आप कीजिए, उसके बाद मान लीजिए हम अपने डेटा में फोटो में फिल्टर नहीं देखना चाहते तो पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए, में आप यहाँ हटा सकते हैं कि आपका फिल्टर में फिल्टर नहीं दिखना चाहिए आपका नहीं। दूसरा कि अभी जैसे एक चीज आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, अब यहाँ देखिए कि अगर मैं सिर्फ अमाउंट रहता हूँ तो अमाउंट रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए वैल्यू का कॉलम था तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ अपने वैल्यू फील्ड में कोई और वैल्यू को रखूंगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू का आ जाता है। तो एक कॉलम में क्या हुआ कि आप जो वैल्यू में डालोगे कॉलम वाइज आपको शो करेगा, आप उसको चेंज करके अगर इसको उठा के आपने रो में रख दिया तो डेटा आपका रो वाइज इस तरह से शो करेगा। तो अब आपके ऊपर है कि किस तरह का समरी आपको शो करना है, किस तरह का समरी आपको दिखाना है। क्लियर सर? ये तो समरी ऑफ द डेटा है हमारा, और जैसे कि मैंने बताया कि पिवट टेबल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा धीरे धीरे सीखें। तो फाइल में आपको भेज रहा हूं, मुकुल जी इसमें आपकी ईमेल आईडी कौन सा है? फाइल में भेज रहा हूं, मुझे इस फाइल के ऊपर तकरीबन 10 पिवट टेबल आप लोग बना के भेजें। फिर कल की डेटा में आपको मैं फिल्टर सॉर्टिंग, कल की क्लास में आपको हम फिल्टर सॉर्टिंग ग्रुपिंग मूव ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताओ, ठीक है सर? अब कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, पाइथन को उसके बाद पूछूंगा सर। क्या पाइवट की क्लास बनाऊंगा उसमें कुछ आएगी तो पूछूंगा। हाँ, पिवट क्लास को आप अच्छे तरीके से लीजिए, उसके बाद जो भी डाउट होगा मुझसे पूछिए, ठीक है? तो कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक? ओके, बाय।